देश के अंदर लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं, नामांकन प्रक्रिया शुरू है, लोग अपने अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। इस दौरान ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से गर्माहट पैदा होने लगी है। महमूद प्राचा, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, महमूद प्राचा ने आज ईवीएम को लेकर के बहुत सारे बड़े खुलासे किए। आप देखें पहले उनका पूरा वीडियो क्या उन्होंने कहा है मीडिया के सामने। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक सब तो आप लोगों ने भी, सब ने जो मुझे अच्छा समझते थे मेरी क्रिटिसिज्म की थी कि प्राचा जी खुद बाकी लोगों की तरह ईवीएम से चुनाव लड़ने पहुंच गए, अब वो ईवीएम से बटन दबा के वोट मांग रहे हैं। तो मैं आज वो सबके सामने पहला तो वो राज खोलना चाहता हूँ, और आज मैंने करके फिर ये राज खोला है, क्योंकि अगर मैं ये बात पहले बता देता कि ईवीएम के खिलाफ मुहिम में पॉलिटिकल पार्टीज ने सड़क पे आने में हमारा साथ नहीं दिया, वरना ईवीएम पहले ही रुक जाती। मैं आपको पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा समर्थन तो किया लेकिन सड़क पे आने को तैयार नहीं, और उसकी वजह से ये जो दमनकारी एक सिस्टम और निज़ाम बना हुआ है आरएसएस और बीजेपी का, जिसने सभी संस्थानों पे दबाव बना रखा है, वो दबाव उनका चलता रहा, और ईवीएम जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी है उसके माध्यम से ही चुनाव होते रहे। तो आज हम वो सब रासपास करने वाले हैं। तो पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इलेक्शन लड़ने की एक रीज़न था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये था, हम सब लोगों ने ये तय किया था कि हम एक ऐसी सीट चुनेंगे जिससे कोई भी अपोजिशन पार्टीज का नुकसान ना हो, जिससे एक ऐसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के जरिए से और पुलिस प्रशासन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके क्राइम करके लोगों को, कमज़ोर वर्गों को, एससी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और माइनॉरिटी कम्युनिटी के घरों से नहीं निकलने देके वोट परसेंटेज कम करा के उनकी चुनाव जीत लेती है। रामपुर उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट इसीलिए चुनी गई थी कि वहाँ पे कोई गठबंधन का या किसी अपोजिशन पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सीट दो बार से हम लोग हार रहे, बीजेपी जीत रही थी। हमने ये भी गुजारिश की थी कि ये हारी हुई सीट जो इस बार भी हारने के पूरे उम्मीद है, क्यों? क्योंकि मेरे जैसा कैंडिडेट वहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टीज को पुलिस उनके वर्कर्स को कैंपेन करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने देती। तो इस हालात में कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक वोट भी देना चाहे तो पब्लिक को वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देती पुलिस। तो ऐसे हालात में कोई मेरे जैसा व्यक्ति जो जाना जाता है इस बात के लिए, जो संविधान और कानून के रास्ते से पुलिस प्रशासन को संविधान और कानून का पालन करने पर मजबूर करता है और अपराध करने से रोकता है प्रशासन और पुलिस के लोगों को, वही वहाँ पे लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्टिट कर सकता है और लोग वोट देने बाहर आएंगे। अभी तो कोई जीतेगा और हारेगा, खैर ये वजह भी थी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण वजह ये थी कि पूरे देश में जितनी भी पिटीशन आज तक डली, किसी में भी एक्चुअल सबूत, जिंदा गरम लाइव सबूत किसी पिटीशन में नहीं है, सभी की सभी थियोरिटिकल पिटीशन में, यानी कि थियोरिटिकल पिटीशन से लोगों ने ये कहा है कि ऐसे कानून में लिखा है, ऐसा ऐसा होता है, इसलिए ईवीएम खराब है, ये साइंस है, लेकिन किसी ने डायरेक्ट प्रूफ ईवीएम को हाथ में लेके प्रूफ नहीं पेश किए थे। और ईवीएम को तो चुनाव आयोग किसी के भी हाथ में देने को तैयार नहीं है, ये बात तो सबको पता है। चुनाव आयोग तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ईवीएम हाथ में देने को तैयार नहीं होता, दिखाने को तैयार नहीं होता, और मिलने का भी टाइम नहीं दे रहा कांग्रेस पार्टी को और दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टीज को मिलने का भी टाइम नहीं देता। ईवीएम की मशीन तो हाथ में देगा कैसे? हाथ में लेने का एक ही तरीका था ईवीएम की मशीन, वो था कि खुद चुनाव लड़ा जाए। और सब लोग ये मानते हैं कि मुझे टेक्निकली भी ईवीएम के बारे में समझ है, मैं एक देश में सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता हूँ, सबसे अच्छों में से एक, लीगल समझ भी मुझे है, सबसे अच्छे व्यक्तियों में से एक जिसको लीगल समझ है। और तीसरा जो मेरे बारे में एक अच्छा पॉइंट माना जाता है कि मैं सड़क पर उतर के भी अपने बहादुर साथियों की तरह, जैसे डॉक्टर रितु मेरे बराबर में बैठी हैं, ये लाठी गोली से भी नहीं डरती, हालांकि प्रोफेसर, मैं वकील हूँ, मैं भी बाकी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी एसी कमरों में गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं सड़क पे आके देश का संविधान बचाने के लिए लड़ने की भी ताकत रखता हूँ। और मेरे साथी भी ऐसे हैं, जो साथी ऐसे नहीं थे वो दूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे साथी भी रहेंगे, और हम लोग काफ़ी हैं जो ऐसे साथी हैं जो पुलिस प्रशासन की आँख में आँख डाल के संविधान को बचाने की ताकत रखते हैं। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे वहाँ पर उतारा गया था, और हमने
वो चीज में सफलता प्राप्त कर ली। अगर मैं ये बात पहले से लीक कर दूं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया होगा इस बारे में, किया भी, मुझसे सवाल भी पूछे, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि अगर मैं पहले ये बात बोल देता कि मैं ईवीएम की मशीन हाथ में कैसे आएगी किसी के भी, उसके लिए चुनाव लड़ना मेरा ज़रूरी है, तो शायद मेरा नॉमिनेशन ही रद्द हो जाता है। तो अब मेरा नॉमिनेशन पेपर क्लियर है, मैं रामपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर तो ऑपोजिशन की पार्टी सपा ही सिर्फ अपना कैंडिडेट वहाँ से कह दे कि हम इसे नहीं लड़ा रहे, तो मुझे कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, मैं हैंड्स डाउन वो सीट जीत जाऊँगा। लेकिन मेरा सीट जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव ना हो, और अगर हो तो वो चुनाव रद्द कराए जाएँ कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वो मेरा पहला मकसद है। उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। हमने अपनी पहली पिटीशन आप सब लोगों ने देख लिया होगा सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया इंटरवेंशन करके, ये कह के कि वीवीपैट, जो सुब्रमण्यम स्वामी की जजमेंट है ना, वीवीपैट के, वीवीपैट से वोट गिने जाने चाहिए। वीवीपैट सबसे अच्छा वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, उसका तरीका पूरी दुनिया में एक ही है वीवीपैट का। ये नहीं है कि मशीनों के ज़रिए आप वोट लो, मशीनों के ज़रिए से वोट दिलवाओ, क्योंकि मशीन के अंदर क्या हो रहा है नंगी आंखों को नज़र नहीं आता। तो एक ही वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का एक ही तरीका है जो सबसे सेफ है, वो क्या है, पेपर बैलेट। तो हम वीवीपैट को क्या बोल रहे हैं, वीवीपैट नहीं, जो ये मशीनों का वीवीपैट है, सबसे अच्छा वीवीपैट है पेपर बैलेट, वो भी तो वीवीपैट है ना, उसमें भी तो वोटर अपना वोट पेपर ऑडिट ट्रेल से, यानी कि मोहर लगा के, पेपर ऑडिट होगी ना ट्रेल, मोहर लगाना कागज़ पे, यही पेपर ऑडिट होता ना सबसे अच्छा, वो नहीं होता ना कि अभी हमने बटन दबाया यहाँ पे, एक मशीन में बटन दबाया, दूसरी मशीन में रिकॉर्ड हुए वोट्स, और तीसरी मशीन जो वीवीपैट है उससे पर्ची निकल के आएगी। अब या तो वो पर्ची आप एक काले शीशे में से देखेंगे, और या पहले साफ नज़र आती थी, छुपाने का काम क्यों किया, ताकि फ्रॉड कर पाए कोई। अब ये काले शीशे की जगह ट्रांसपेरेंट शीशा भी लगा दिया जाए तो 5 सेकंड में क्या होगा, वो चिपकी रहेगी, वो सब हमने पूरा एक्सपोज किया है इलेक्शन कमीशन की मशीन को वीवीपैट। चौथी बात, जो लोग साथी हमारे ये कह रहे हैं कि पेपर ऑडिट ट्रेल हाथ में लेके बॉक्स में डालें, तो उसके लिए मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट है, इस ट्रैप में भी हमें नहीं फंसना चाहिए। पहली बात ये, हाथ में लेके अगर बॉक्स में ही डालना है तो ये मशीनों का झंझाल, हज़ारों करोड़ की, करीब 1 लाख की तो मशीनें बन जाती है ना, एक सेट 3 मशीनों का सेट ही 1 लाख में बनता होगा या 50,000 में बनता होगा, तो पेपर बैलेट से चुनाव कराने में कितना पैसे लगते होंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा एक वोट का, तो ये सस्ता है। या और ये इतना लंबा तामझाम क्यों करना है, एक मोहर जो इंसिडेंटली मेरा चुनाव का निशान भी है, वही हमने चुना कि वोट और पेपर बैलेट से चुनाव होने का मतलब मोहर से वोट लगनी चाहिए, तो वही मेरा इंसिडेंटली वो भी है चुनाव निशान, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो फिर भाई ये 3 मशीनों का जंजाल क्यों, सीधा लो पेपर बैलेट पे ठप्पा लगाओ, वो काफ़ी नहीं है। दूसरी बात ये है कि थर्मल प्रिंटिंग एक चीज़ होती है, कल मेरी US में भी बात हो रही थी किसी से, ऐसी टेक्नोलॉजी आराम से आ जाती है कि जो ये ऊपर से जो नज़र आएगी थर्मल प्रिंटिंग, वो 6 घंटे 7 घंटे या 2 हफ्ते में गायब हो जाएगी। 2 हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम लगना ना काउंटिंग में, 2 महीने में गायब हो जाएगी, अभी तो 2 महीने ही हैं, और उसके अंदर से जो ओरिजिनल है वो निकल के बाहर आ जाएगा। भाई ये सब चक्कर में पढ़ना ही क्यों है, शक और शुबे में पढ़ना क्यों है। तो ये जो हाथ में लेने की लोग बात कर रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और जान लें, तब एक ऐसे घोड़े पे दांव लगाएं जो आपको हरवा सकता है। ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो मोदी जी और अमित शाह जी और RSS BJP है, कि हम लोग किसी भी तरीके से पेपर बैलेट से ध्यान हट जाए, हम कोई भी तरीका, ट्रांसपेरेंट शीशा लगा लें, उसमें फ्रॉड हो सकता है। मैंने आपको अभी बता दिया, अगर हम हाथ में पेपर वो भी लेंगे तो उसमें भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग ऐसी आएगी, वो गायब ऊपर वाली और नीचे वाली उभर के आ जाएगी सामने, तो ये भी फ्रॉड हो सकता है। इसमें भी एक ही तरीका ऐसा है, इनडेलेबल इंक जो लगती है ना यहाँ पे, प्रिंट के लिए कभी रगड़ रगड़ के धोनी पड़ती है, कई कई दिन बाद जाती है, उसी से स्टैम्प लगता है, वो सालों साल तक गायब नहीं होती, मतलब 100 साल तक भी गायब नहीं होगी, और पेपर पे एक ही तरीका है वीवीपैट का, और वो ये है। अब ये सब बातें छोड़ के जो हमने केस डाला है वो सुन लीजिए। एक तो वीवीपैट सबसे अच्छा तरीका पेपर बैलेट है, और पेपर बैलेट ही कानून है देश का। ये हमने चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखी कि आप रामपुर लोकसभा चुनाव में, ये मैं तभी कर सकता था जब मैं एक्चुअल इलेक्शन,
तो ये मेरी वजह थी, मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लें ये, इसका आप अच्छे से क्लोजअप ले लें सब लोग। हमने चुनाव आयोग को 28 तारीख को चिट्ठी लिख दी, जैसे ही मैंने नॉमिनेशन भरा, दे दे मुझे, मैं बाद में दूंगा। जैसे ही मैंने नॉमिनेशन भरा, मैंने 28 मार्च को ये चिट्ठी लिख दी कि मैं रामपुर में चुनाव चाहता हूँ सेक्शन 59 और सेक्शन 61 से। वो ये कहता है कि चुनाव सिर्फ मतपत्र से होंगे, ईवीएम से जब चुनाव होंगे, जब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि यहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते, ये उसकी मजबूरियाँ हैं या रीजंस हैं, यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होगा, तो हमें ये बता दें, ये मैंने इस चिट्ठी में लिखा कि आप यहाँ पर ईवीएम से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते, और मतलब ईवीएम से चुनाव ही क्यों कराना चाहते हैं, इसका क्या आपने कोई ऑर्डर निकाला है? 5 दिन का हमने टाइम दिया था, और जब मैंने नॉमिनेशन भर के, मेरी पहली मीटिंग हुई चुनाव जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वहाँ मैंने ये बात रेज की कि आप लोग पेपर बैलेट से चुनाव कराएं, तो उन्होंने क्या कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, ये चुनाव आयोग की सिर्फ पावर है 61 में, सेक्शन 61 में। अगर चुनाव आयोग हमें ये कहता है कि आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, तो हम आपका चुनाव पेपर बैलेट से करा देंगे, ये मुझे मीटिंग में बोला गया। तो मैंने क्या सबसे बड़ी बात साबित कर दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी भी आखिरी मोमेंट पे भी पेपर बैलेट से चुनाव कराने को तैयार है, ये बात मैं बोल रहा हूँ। ये सबूत चुनाव लड़े बगैर मेरे हाथ में कभी नहीं आ सकता। अब फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने 5 दिन का हमने टाइम दिया था, जवाब नहीं दिया। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी, जो अभी कल सामने आएगी आप लोगों के, क्या के ये चुनाव आयोग जो है ये हमारी इस एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा है, आप इनको बोलेंगे जवाब। जैसे ही चुनाव आयोग ये जवाब देगा, उसको देना पड़ेगा, उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा ये कहने का कि पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए, और वो पूरी तरीके से हमारे कानूनी जाल में फंस जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो ये एक हमने किया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको बता ही दिया कि हमने बोला है वीवीपैट सिर्फ पेपर बैलेट ही हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब हमारी 2 हफ्ते बाद हियरिंग पे आएगी, बाकी सब हियरिंग्स के साथ। जो पिटीशन ये कह रही हैं कि आप वीवीपैट यानी कि ट्रांसपेरेंट मशीन वो लगा दो, शीशे लगा दो या हमारे हाथ में दे दो, उसके साथ हमारी भी बात आएगी, जहां हम ये बात जो आपके सामने कह रहे हैं कि वो थर्मल प्रिंटिंग की वजह से वो गायब हो सकता है। तो इसीलिए आज से भी इलेक्शन पेपर बैलेट से ही कराएंगे, लेकिन उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुकी है 2018 में हमारे ऊपर दबाव है, अगर हम जन आंदोलन, हमने बहुत प्रदर्शन कर लिए सुप्रीम कोर्ट पे, और उसका मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी एक ताकत मिली होगी कि जन आंदोलन हमारे फेवर में, जनता हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है, तो हमारे को कोई डर नहीं होना चाहिए कोई भी ऑर्डर पास करने, तो उससे ताकत मिल रही है। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आ जाए तो हम रामपुर और रामपुर के बाहर पूरे देश में चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। अब हमने कानूनी शिकंजा भी पूरी मजबूती के साथ जकड़ लिया। उसके बाद हमने ये सुप्रीम कोर्ट की भी पिटीशन जो लगाई है वो लग गई है और वो आने वाली है, उस पर नोटिस हो गया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, उसीलिए आप सब नोटिस नहीं हुआ है, अभी वो फाइल हो गई है और वो जिन पिटीशन पर नोटिस हुआ है उनके साथ ही हियरिंग पे अब आएगी 2 हफ्ते के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते में हम सुनेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको, एक और सबूत हमारे हाथ में आ गए चुनाव लड़ने की वजह से, ये हैंडबुक है जो हर एक कैंडिडेट को मिलती है। ये हैंडबुक भी है, मैं आपको चाहूँगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं, हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे। इसमें ये साफ साफ लिखा है, जो चुनाव आयोग ने, मैं आप टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव ईवीएम से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता, के चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो ईवीएम्स हैं ये सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित अब भी ये बता रहे हैं कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहाँ पे, ताकि उसको एकदम बेसिक नॉलेज भी है वो इस में से पढ़ कैंडिडेट को मिलती है। ये हैंडबुक भी है, मैं आपको चाहूँगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं, हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे। इसमें ये साफ साफ लिखा है, जो चुनाव आयोग ने, मैं आप टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव ईवीएम से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज भी है वो इस में से पढ़ के ये बता सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो ईवीएम्स हैं ये सुरक्षित नहीं है,
ये सुरक्षित अब भी ये बता रहे हैं कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहां पे ताकि उसको धांधली ना कर सके कोई। हैकिंग नहीं हो सकती, ये चुनाव आयोग पूरी मजबूती से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ऐसे बढ़िया काम से कर रखा है कि चुनाव इसकी हैकिंग हो नहीं सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी हैकिंग नहीं हो सकती, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो मैनुपुलेटेबल नहीं है, दुनिया में बनी नहीं है। लेकिन उसके सबूत, ये बात हम ओरली कह रहे थे, आज सबूत भी हमारे हाथ आ गए हैं चुनाव आयोग की खुद की किताब से, जो कि हर एक कैंडिडेट को देश भर में ये किताब मिलेगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, दो तीन चीज़ें पढ़ के भी बताता हूँ। एनी टेम्परिंग ऑफ ECI EVM बाय कोडेड सिग्नल्स ऑफ बाय वायरलेस ब्लूटूथ और वाईफाई इज रूल आउट एज EVM डज नॉट हैव एनी रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, हैंस कम्युनिकेशन थ्रू वाईफाई ब्लूटूथ एक्सेट्रा। तो जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा SLU के टाइम, सिंबल लोडिंग यूनिट के टाइम, तब तो ये सब नहीं रहेगा ना। इसमें भी तो बैटरी है तो सिग्नल भी है ना। खैर, इसमें मैंने, और अगर इनके फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन दिखाए जाए उसमें भी ये लिखा हुआ है साहब के फ्रीक्वेंसी तो है बहुत, लेकिन कम है इसलिए नहीं पकड़ी जाएगी। मतलब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ, जो इसके EVM की कमजोरी को साफ तरीके से दर्शाती है, और वो ये है कि हाँ, EVM यूज बाय कमीशन इज अ स्टैंड अलोन नेटवर्क मशीन, स्टैंड अलोन नेटवर्क हो सकती है कभी, आप मुझे बताओ, नॉन नेटवर्क मशीन, स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क मशीन। अब नॉन नेटवर्क मशीन का क्या होता है, मतलब कि वो स्टैंड अलोन है, एक मशीन है तो एक ही है, उसके साथ और कनेक्शन नहीं हो सकता किसी दूसरी मशीन का, यही मतलब होता है ना। विच कैन बी कनेक्टेड टू, अगला सेंटेंस ये है, नॉन नेटवर्क विच कैन बी कनेक्टेड टू EVM कॉम्पोनेंट्स ओनली, और वो क्या है, CU कंट्रोल यूनिट, BU बैलेट यूनिट, VVPAT यानी कि ये जो VVPAT की मशीन है, और SLU क्या होता है, SLU से भी कनेक्ट हो सकती है। ये कन्फेशन मैं तो कहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने खुद हमें लिख के दिया है। अब SLU क्या होता है, SLU होता है कि एक व्यक्ति आएगा हर एक चुनाव की मशीन में, लोड करेगा सिंबल कौन से, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट होंगे। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रामपुर में 6 कैंडिडेट हैं, तो 30 तारीख के बाद जब सारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए, तभी तो पता लगा कि ये 6 कैंडिडेट हैं, तब हमें सिंबल अलॉट हुए, तभी पता लगेगा ना कि ये कैंडिडेट है तभी। अब जब अभी EVM आई नहीं है, EVM हमें कल दिखाई जाएंगी पहली बार, हाथों में दी जाएंगी पहली बार, तो अब जब EVM हमारे से पास होके जाएंगी आगे, और हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये बेईमानी भरा सिस्टम है, उसके बाद लोग आते हैं जो प्राइवेटली एंगेज होते हैं, वो लैपटॉप लाते हैं, पेन ड्राइव लाते हैं, और कनेक्ट करते हैं लैपटॉप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, जहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट होते हैं और उनके सिंबल होते हैं, उसको वो डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप में, उसको पेन ड्राइव में लेते हैं, और उसको फिर ये हर एक EVM की मशीन में घुसाते हैं, डालते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो हो गया ये पेन ड्राइव EVM से कनेक्टेड हो गया, अब स्टैंड अलोन रहा। अब तो ये पूरी दुनिया में सबसे कनेक्ट हो गया ना EVM से कनेक्ट होते ही। ये सिस्टम SLU लिखते ही ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन का सिस्टम EVM का पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। अब ये क्या इलेक्शन कमीशन ये गारंटी ले सकती है कि जो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ये सिंबल लोडिंग यूनिट का जो प्रोसीजर हुआ था, जब लैपटॉप में उतारे गए थे वो सिंबल वहाँ से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, पूरी दुनिया में किसी ने भी, ना इसराइल से, ना अमेरिका से, ना पाकिस्तान से, ना चाइना से, कोई भी वायरस इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया होगा इस लैपटॉप में, जो कि इस पेन ड्राइव में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है मोदी जी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है इलेक्शन कमीशन साहब? नहीं है दुनिया भर में कोई भी टेक्नोलॉजी इस इंटरनेट के माध्यम से इस पेन ड्राइव में, और इस आपकी सारी सो कॉल्ड स्टैंड अलोन मशीनों में वायरस कोई भी घुसा सकता है। तो ये चीज़ इलेक्शन लड़ने के बाद ही मेरे हाथ आ सकती है। तो ये सब हमने कर दिया है, 5 तारीख को हम कल वहाँ जा रहे हैं। अब भी मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रामपुर का चुनाव एक जो टेस्ट केस है, अगर आप सब लोग मेरा साथ देंगे रामपुर के चुनाव में भी, और सड़कों पे आने भी, मैं अपना चुनाव में कैंपेन ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल साफ